मालिकुलर सिस्टमैटिक्स सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि मालिकुलर सिस्टमैटिक्स क्या है इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट विद एन एन ऑर्गेनिज्म यानी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल कंपोनेंट्स हैं उसकी बेस के ऊपर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना खासतौर पर उसकी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स हैं उसकी बॉडी के अंदर डीएनए है उसकी बॉडी के अंदर आरएनए है इनकी बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना अब इन केमिकल कंपोनेंट्स के कंपैरिजन की बेस के ऊपर हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी स्टडी कर सकते हैं फाइलोजेनेटिक या मॉलिकुलर फाइलोजेनेटिक्स के अंदर हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिलेशनशिप्स हैं उनको फाइंड आउट करते हैं बेस्ड ऑन द केमिकल्स बेस्ड ऑन द डीएनए बेस्ड ऑन द आर एन ए विच आर प्रेजेंट अमंग ऑर्गेनिजम्स अब अगर हम फाइलोजेनेटिक ट्री की बात करें जो कि एक ट्री डायग्राम है जो कि ऑर्गेजम्स के, के दरमियान में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है तो पहली जो फाइलोजेनेटिक ट्री थी वो 1967 के अंदर मोलैकुलर डाटा को इस्तेमाल करते हुए बनाई गई और फिच एंड मार्गोलिश ने इस ट्री को बनाया तो पहली जो फाइलोजेनेटिक ट्री थी 1967 के अंदर बनाई गई रिसर्चर्स ने ये रियलाइज किया कि जब हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए एक तो हम मार्फोलॉजिकल करेक्टर्स का सहारा लेते हैं लेकिन इसके साथ साथ अगर हम मोलेकुलर डाटा का इस्तेमाल करें तो जो रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा अथेंटिक और रिलायबल बन जाते हैं इस वजह से जो करंट है इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल डाटा के साथ साथ मोलेकुलर डाटा को कंबाइन किया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स अब जो फाइलोजेनेटिक स्टडी है या फायलोजियोग्राफिक जो स्टडीज हैं इनका इस्तेमाल पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर उस वक्त स्टार्ट हुआ जब माइक्रोकॉन्डियल डीएनए जो कि माइटोकांड्रिया के अंदर मौजूद होता है उसका इस्तेमाल शुरू हुआ इसकी बेस के ऊपर ना सिर्फ हम ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं बल्कि उनकी जो हिस्ट्री है उसकी जो फाइलोजनी है उसके बारे में भी हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं अगर हम प्रोटीन की बात करें या प्रोटीन्स के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी बात करें तो हम प्रोटीन या अमाइनो एसिड्स का कंपैरिजन करके हम ये पता चला सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर अमाइनो एसिड या प्रोटीन की कंपोजिशन सेम है क्योंकि एक जैसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी अमाइनो एसिड और प्रोटीन कंपोजिशन बहुत सिमिलर होती है जबकि जो डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दरम्यान में एसिड और प्रोटीन का कंपैरिजन किया जाए तो पता चलता है कि उनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो ज्यादा है इसी तरीके से अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डीएनए या जो न्यूक्लोटाइड हैं, उसका कंपैरिजन करें तो उससे भी हमें क्लियर कट एविडेंसेस मिलते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड है उनका जो न्यूक्लोटाइड का जो सीक्वेंस है या उसकी जो कंपोजिशन है वो बहुत ज्यादा मैच करती है जबकि जो डिस्टल्टी रिलेटेड ऑर्गेनिजम हैं उनके अंदर डिफरेंसेस मौजूद होते हैं अब जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इसका मतलब ये है कि उनके अंदर जो डिफरेंस है या उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो भी उतना ही डिस्टेंट है अब ऑर्गेनिज्म के अंदर जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम उनका जेनेटिक डिस्टेंस मालूम करते हैं जेनेटिक्स डिस्टेंस जो है उसकी बेस के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन से जो ग्रुप हैं कौन से ऑर्गेनिज्म उनको एक ग्रुप के अंदर रखना चाहिए और कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखना चाहिए इसी तरीके से जो जेनेटिक डाटा है जेनेटिक डाटा के बेस के ऊपर हम क्लस्टर एनालिसिस करते हैं क्लस्टर एनालिसिस क्या करता है इसके नतीजे में ऐसे ऑर्गेनिज्म ऐसी स्पीशीज जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं उनको एक क्लस्टर के अंदर इकट्ठा कर दिया जाता है और जो डिफरेंट स्पीशीज होती हैं उनको डिफरेंट क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है इसी तरीके से हम जेल इलेक्ट्रोफ्रोसेस के यूज से भी मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं इसका डीएनए इसका आरएनए या फिर इसकी जो प्रोटीन्स हैं उसका कंपैरिजन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल जब हम जेल इलेक्ट्रोफ्रोसिस करते हैं जेल इलेक्ट्रोफ्रोसिस हम प्रोटीन भी की भी कर सकते हैं और ये हम डीएनए की भी कर सकते हैं डीएनए के लिए हम एगरोस जेल का इस्तेमाल करते हैं जबकि प्रोटीन के लिए हम पोली जेल इलेक्ट्रोफ्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं तो इन का इस्तेमाल करके हम ऑर्गेनिजम्स के दरम्यान में उन प्रोटीन के बैंड पैटर्न या जो डीएनए है उनके जो पैटर्न्स हैं उनका कंपैरिजन करके ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका पैटर्न एक जैसा है उनको एक ग्रुप के अंदर रखते हैं और जिनका जो प्रोटीन या जो डीएनए का जो पैटर्न है वो डिफर कर रहा होता है उनको हम डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखते हैं